यार बाइट अभी हुई है, सिर्फ इतनी सी हुई थी। आम आदमी पार्टी पंजाब में विरोधी दलों के नेताओं के ऊपर केस दर्ज कर रही है, कहीं भ्रष्टाचार का, कहीं किसी चीज का। पहले बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भ्रष्टाचार और नशा, इन दोनों के ऊपर हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। इसमें कोई भी लिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई करते समय ईमानदारी होनी चाहिए। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, जो भी नशे के कारोबार में है, वो उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन ये दोगली नीति नहीं चलेगी। तरन तारण में आम आदमी पार्टी का विधायक इलीगल माइनिंग करते हुए उसका परिवार पकड़ा गया, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ, वहां मशीनरी पकड़ी गई, और जब उनके ऊपर केस दर्ज हो गया तो वहां के SSP को ट्रांसफर कर दिया, और जिन पुलिस अधिकारियों ने उनके ऊपर केस दर्ज किया था आम आदमी पार्टी के नेताओं को, उनको सस्पेंड कर दिया गया। क्या यह है ईमानदारी आम आदमी पार्टी की? पठानकोट में 100 एकड़ जगह का कुलदीप धालीवाल और कटारू चक इनके दो मंत्रियों ने घपला करने की कोशिश की। अब अंदाजा लगाइए कितनी अंधेर गर्दी मचाई हुई है उन्होंने। एक ADC को गलत काम करने के लिए कहा जाता है, वो उसको मना कर देता है, उसको ट्रांसफर आउट करते हैं। BDO को प्रमोट करके DDPO बनाते हैं एक दिन, दूसरे दिन उसको ADC D का चार्ज देते हैं, तीसरे दिन उसे 100 एकड़ भूमि का निर्णय करवाते हैं अपने हितैषियों के पक्ष में, चौथे दिन वो व्यक्ति रिटायर होता है, और पांचवें दिन वो पुराना ADC वापस उसी पोस्ट पे आ जाता है। लगभग जो बात चल रही है कि 100 करोड़ रुपया उस माइनिंग से सरकार को हर साल आ सकता है, इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो गया। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली यह भगवंत मान की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार इस समय पंजाब में बन गई है, लेकिन अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ये विरोधी दलों के नेताओं के ऊपर केस डालकर रोज नित्य ड्रामा करती है, भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। मनप्रीत सिंह बादल कह चुके हैं कि जो तथ्य, जो उनको जानकारी विजिलेंस डिपार्टमेंट को चाहिए, वह देने को तैयार हैं, और ये भी कह रहे हैं कि वह हर प्रकार का चैलेंज फेस करने को तैयार हैं, कि वो कह रहे हैं कि मेरे दामन पर कोई दाग नहीं है। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.